हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर थ्री डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन से क्वेश्चन नंबर वन और टू सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी टेन स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास कहा गया कि अपनी क्लास के किन्हीं टेन स्टूडेंट्स की हाइट्स की रेंज फाइंड कीजिए अब देखिए यहाँ पर टेन स्टूडेंट्स की हाइट्स हमें नहीं दी गई है तो हम अपनी तरफ से टेन स्टूडेंट्स की हाइट कुछ भी मान लेंगे तो देखिए लेट द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ टेन स्टूडेंट्स इन द क्लास बी तो देखिए मैंने यहाँ पर टेन स्टूडेंट्स की हाइट्स को सेंटीमीटर में मान लिया कि टेन स्टूडेंट्स की हाइट्स जो है ये है मान लिया एक स्टूडेंट की हाइट 140 सेंटीमीटर है दूसरे की हाइट 145 सेंटीमीटर तीसरे स्टूडेंट की हाइट वन वन सेंटीमीटर इस तरह से टेन स्टूडेंट्स की हाइट्स मैंने अपनी तरफ से ये मान ली है अब मुझे क्या करना है मुझे इन स्टूडेंट्स की हाइट्स की रेंज फाइंड करनी है देखिए जब भी रेंज फाइंड करते हैं तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो अब यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स की हाइट्स की रेंज फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम ज्यादा हाइट में से कम हाइट को माइनस कर देंगे तो देखिए सबसे ज्यादा हाइट कितनी है 152 सेंटीमीटर, ठीक है? और सबसे कम हाइट कौन सी है? 140 सेंटीमीटर तो 152 में से हम माइनस कर देंगे 140 को तो 152 में से माइनस कर देंगे 140 को तो क्या आएगा 12 आएगा सो रेंज ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ट्वेल्व तो स्टूडेंट्स की हाइट की रेंज क्या आई ट्वेल्व ठीक है अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्वेश्चन नंबर टू है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म एक क्लास असेसमेंट में स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए वो यहाँ पे दिए गए हैं कहा गया है कि इन मार्क्स को टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज कीजिए टेबुलर फॉर्म यानी टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कीजिए तो देखिए किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे तो देखिए इस तरह से ये एक टेबल बना लेंगे और इसमें ये थ्री कॉलम्स बनाएंगे एक कॉलम है मार्क्स का दूसरा कॉलम है टैली मार्क्स और तीसरे कॉलम में हमने लिखा है फ्रीक्वेंसी अब देखिए यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं ये वन से लेके कर नाइन तक हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे देख लिए मैंने मार्क्स वन से लेके कर नाइन तक लिख लिए हैं अब यहाँ पर टैली मार्क्स लिखेंगे तो देखिए टैली मार्क्स कैसे लिखेंगे सबसे पहले देखिए क्या है वन मार्क तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि वन मार्क कितनी बार आया है तो देखिए यहाँ पे जो वन मार्क है सिर्फ एक ही बार आया है सिर्फ वन बार आया है ठीक है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे इस तरह से एक लाइन लिख लगा देंगे ठीक है उसके बाद देखिए क्या है टू मार्क्स तो अब हम हम यहाँ पे देखेंगे टू कि मार्क्स कितनी बार आए हैं तो देखिए टू मार्क्स कितनी बार आए हैं एक बार और ये दूसरी बार तो देखिए टू मार्क्स दो बार आए हैं ठीक है तो दो बार आया तो हम यहाँ पर इस तरह से दो लाइन लगा देंगे ठीक है फिर अगला है थ्री मार्क्स अब देखेंगे यहाँ पे कि थ्री मार्क्स कितनी बार आया है तो देखिए वन सिर्फ वन बार आया है थ्री मार्क्स तो यहाँ पर हम वन लाइन लगा देंगे फिर नेक्स्ट है फोर यहाँ पे देखेंगे फोर मार्क्स कितनी बार आया है तो देखिए वन टू थ्री थ्री बार आए हैं ठीक है तो यहाँ पर इसके आगे हम थ्री लाइंस लगा देंगे वन टू थ्री अब नेक्स्ट देखेंगे कि फाइव मार्क्स कितनी बार आए हैं तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बार आए तो देखिए फाइव मार्क्स फाइव बार है तो यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर लाइन हमने लगा दी और फाइव के लिए हम इस तरह से इसे तिरछे में काट देंगे जब फाइव लिखना हो तो इस तरह से लिखते हैं ठीक है तो फाइव मार्क्स कितनी बार आया था फाइव बार आया था तो वन टू थ्री फोर लाइन लगाई और फाइव के लिए इस तरह से एक तिरछी लाइन लगा दी ठीक है अब नेक्स्ट है सिक्स अब यहाँ पे देखिए सिक्स मार्क्स कितनी बार आए हैं देखिए वन टू थ्री फोर फोर बार आया है ठीक है तो फोर लाइंस लगा देंगे यहाँ पर वन टू थ्री फोर फिर नेक्स्ट है सेवन अब यहाँ पे देखिए सेवन मार्क्स कितनी बार आए हैं देखिए वन टू टू बार आया तो यहाँ सेवन के आगे टू लाइंस लगा देंगे क्योंकि सेवन मार्क्स टू बार आए तो टू लाइंस अब नेक्स्ट है एट तो अब यहाँ पे देखिए एट मार्क्स कितनी बार आए हैं सिर्फ वन बार आया तो देखिए एट जो है सिर्फ एक बार आया तो इसके लिए यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे फिर नेक्स्ट है नाइन अब देखिए नाइन मार्क्स यहाँ पे कितनी बार आया है देखिए नाइन जो है सिर्फ एक ही बार आया है तो यहाँ नाइन के आगे भी एक लाइन लगा देंगे अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखिए जो वन मार्क्स है वो कितनी बार आया है सिर्फ एक बार आया है तो यहाँ पर एक लिख लेंगे ठीक है फिर देखिए टू मार्क्स कितनी बार आए हैं टू टाइम्स आएँ तो यहाँ पे टू लिख लेंगे फिर थ्री मार्क्स देखिए कितनी बार आया है वन बार आया तो यहाँ पे वन लिख लेंगे फिर फोर मार्क्स देखिए कितनी बार आया है तीन बार आया तो यहाँ पे थ्री लिख लेंगे फिर फाइव मार्क्स कितनी बार आया देखिए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बार आया तो यहाँ पे फाइव लिखेंगे फिर सिक्स मार्क्स कितनी बार आया वन टू थ्री फोर फोर बार तो यहाँ पे फोर लिखेंगे सेवन मार्क्स कितनी बार आया है एक दो तो, दो तो बार आया तो यहाँ पे दो लिखेंगे फिर एट मार्क्स कितनी बार आया वन बार आया तो यहाँ पे वन लिख लेंगे नाइन मार्क्स कितनी बार आया वन बार फिर यहाँ पे वन लिख लेंगे तो देखिए जो मार्क्स उन्होंने देखते उसके लिए हमने ये टेबल बना लिया उसे मतलब टेबुलर फॉर्म में हमने लिख लिया है अब अब फर्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया है विच नंबर इज़ द हाईएस्ट कि इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है तो देखिए इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है नाइन तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि द हाईएस्ट नंबर इज़ नाइन कि सबसे बड़ा नंबर नाइन है अब सेकंड पार्ट है विच नंबर इज़ द लोएस्ट कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है तो देखिए इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है वन तो यहाँ पे लिख लीजिए द लोएस्ट नंबर इज वन अब थर्ड पार्ट पार देखिए पूछा गया व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा कि यहाँ पर ये जो डाटा दिया गया है इसकी रेंज क्या है तो देखिए जब भी हम रेंज निकालते हैं तो सबसे बड़े वाले नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो अभी हमने यहाँ पे देखा था सबसे बड़ा नंबर कौन सा है नाइन और सबसे छोटा नंबर कौन सा है वन तो नाइन में से वन माइनस कर देंगे तो देखिए रेंज ऑफ द डाटा तो डाटा की रेंज कैसे निकालेंगे नाइन में से वन माइनस करेंगे यानी बड़े वाले नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करें तो नाइन में से वन माइनस करेंगे क्या आएगा एट तो रेंज ऑफ डाटा क्या है एट अब फोर्थ पार्ट देखिए कहा गया फाइंड द अर्थमेटिक मीन तो अब हमें इसमें अर्थमेटिक मीन निकालना है अब देखिए मीन निकालने का एक फॉर्मूला है देखिए क्या फॉर्मूला है अर्थमैटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ आल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशनस तो ये फॉर्मूला है देखिए सम ऑफ आल ऑब्जर्वेशन यानी जितनी ऑब्जर्वेशन्स दी गई हैं उनका सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जितनी ऑब्ज़र्वेशंस हैं अब यहाँ पे देखिए हमें क्लास के मार्क्स दिए गए हैं तो सम ऑफ आल ऑब्ज़र्वेशन यानी जितने मार्क्स दिए गए हैं उन सभी का सम करेंगे तो देखिए हमें ये मार्क्स दिए गए हैं ना तो इनका सम करेंगे कैसे करेंगे देखिए फोर प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस फोर प्लस फाइव इस तरह से इन मार्क्स का सम करेंगे तो देखिए सम ऑफ आल ऑब्जर्वेशन्स यानी जो मार्क्स दिए गए उन सभी का हम सम करेंगे इस तरह से फोर प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस फोर इस तरह से ठीक है फिर अपॉन में क्या आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी जितनी ऑब्जर्वेशंस दी गई यानी जितने मार्क्स दिए गए हैं तो, तो अब इन्हें काउंट कीजिए देखिए कितने ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी हैं सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है ट्वेंटी तो अपोन में क्या आ जाएगा ट्वेंटी ठीक है अब देखिए इन सभी को प्लस करेंगे फोर प्लस सिक्स टेन टेन प्लस सेवन सेवनटीन सेवनटीन प्लस फाइव ट्वेंटी टू इस तरह से इन सब को प्लस करेंगे तो देखिए प्लस करने पर क्या आएगा हंड्रेड आएगा ठीक है और अपोन में क्या है ट्वेंटी ठीक है अब देखिए दोनों ट्वेंटी से डिवाइड हो रहे ट्वेंटी वन सा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव सा हंड्रेड तो क्या आया फ़ाइव तो अर्थमेटिक मीन क्या आएगा फ़ाइव तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर वन और टू सॉल्व करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू